जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं हाजी साहब की जानिब। हाजी साहब जो कॉलर थे ब्रेक के दौरान, जो मैंने आपसे जिक्र किया था उनका प्रॉब्लम जो बताया था, प्लीज़ उस बारे में बताइए। ताहिर ना करेगी ये तकलीफ, बढ़ते बढ़ते यहाँ जाती है, यहाँ से पट्टों में कमर सोते हुए पूरा वजूद मतलब है कि बेकार हो जाता है। जितने मेरे पास मरीज आए, 99% मरीज वो हैं जो चिकन गुनिया के मरीज अथाइटिस में तब्दील हुए। 99% ये नहीं कोई इलाज नहीं है, इलाज है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, रब शफा देता। मैं कोशिश करता हूँ, जितना भी आप हमारे प्रोग्राम करोगे आपको नामुमकिन मुमकिन अल्लाह की तरफ से मिलेगा। मेरी कोशिश है, मेरा दावा नहीं, बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। ये हाथों में तकलीफ वाली है, ये तकलीफ ख़त्म हो जाएगी, गर्दन वाली, कंधे वाली, ये सब चीज़ें काबिल इलाज है, ना काबिल इलाज नहीं है, लेकिन आके इलाज कराएं। देखिए YouTube चैनल हमने बनाया हुआ है, तमाम सुनने वालों को मैं कहता हूँ कि जिसको यहाँ दर्द है वो चैनल लगाएं। जो हमारा एक कार्ड का स्पेशल प्रोग्राम होता है, तो तकलीफ हाथों में तो हाथ में पकड़ लें, छोड़ें, पकड़ें, छोड़ें, इस तरह पकड़ें, छोड़ें, और वो उसके दो दफ़ा करें या 10 दफ़ा करें, आपको शफा मिलती रहेगी। मेरे पास आएँ, शदीद तकलीफ में आएँ और इंशाल्लाह हंसते मुस्कुराते हुए जाएं, ठीक है। दूसरी बात, रसोली भी कर रही थी हम, तो मैं बता रहा हूँ उस बच्ची की, मुझे याद है कि मुझे बहुत दुख हुआ कि वो बच्ची की भी ज़्यादा उम्र नहीं थी, 18 साल की थी, जब उसका पेट इतना बढ़ गया। तो ये हम सब के लिए, ये सन 2000 की बात बता रहा हूँ, यकीन करना नामुमकिन था कि 15 दिन पहले ऑपरेट हुआ, उसकी रसोली थी 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर की, अब वो जो वो 18-20 सेंटीमीटर की बड़ी। खैर बहरहाल जी, अब उसका टेस्ट हुआ, टेस्ट होने के बाद तो जो उसने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन में वो उसका यूट्रस निकाल दिया। बिल्कुल हाजी साहब, वो जो मैंने आपसे ब्रेक के दौरान जिक्र किया था मंथली साइकिल का प्रॉब्लम था बच्ची का, उनका भी बता दें कि उनको अब क्या करना चाहिए। कह के शायद पहली बात तो ये कि पहले वो बच्ची सबसे अच्छा काम तो मेरे पास आ जाए, ताकि मुझे उससे सही मालूम मिल जाएगी, उसके असल हालात, असल कंडीशन मुझे मिल जाएगी, इलाज करना आसान हो जाता है। बिल्कुल, मैं अभी फौरी तौर पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि वो बच्ची पानी इतना गर्म करे जितना वो बर्दाश्त कर सके, ठीक है। वो टप में बैठ जाए, पानी के टप में बैठ जाए, बाहर निकले तो अपने यूट्रस के ऊपर पूरे हिस्से पे जैतून का तेल मालिश करते और 2 घंटे हवा में नहाए। एक काम हो गए, एक दिन छोड़ के एक दिन, एक रात को सोने से पहले एक गिलास दूध उबाल लें, गिलास में डाले, कच्चा ना तोड़ के उसमें डाले, फेंट के चीनी, शहद, गुड़ या इसके बगैर भी ऐसे गरम गरम पीना शुरू करें, ठीक है। ठीक है, ये तो ज़रूर करें। आलू, चावल, नींबू, इमली, अचार, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ये बिल्कुल भी बंद कर दे, इसको समझ लो कि 3-4 महीने भूल जाए। लेकिन सबसे बेहतरीन रास्ता हमारे पास है, हमारे पास की मेडिसिन मौजूद है, ठीक है। आप देखें, जो बहुत सारी औरतों में देखा जिसके 2-3 साल से भी उनका पीरियड बंद हो चुके थे, लेकिन उनकी शादियाँ इतनी लेट हुई कि अब उनको औलाद की ज़रूरत है। एक खातून उसकी उम्र 40 साल है, 40 साल उसको पीरियड बंद हुए, 35 साल की उम्र बंद हो गए थे, 5 साल हो चुके हैं। उस ससुराली को नहीं बताया कि मिस किस कंडीशन में, अल्लाह, ठीक है। जब महीना 2-3 महीने गुजरे थे, बोला भाई के औलाद चाहिए। अब वो शोर को तो नहीं खबर थी, लेकिन सास को खबर थी, उसने बोला कि बेटा तू महीने में तो बीमारी नहीं हुई, 3 महीने में तो कभी तो बीमारी नहीं हुई, तो उसने बोला हाँ ये 5 साल पहले बंद हो चुके थे। अजियत वाली बात है, खुशी की बात नहीं है, उसको खड़े खड़े तलाक हो गए। अल्लाह, क्यों? कि आप लोगों ने धोखा किया, झूठ बोला। देखो माँ बाप 100 बुराइयाँ बर्दाश्त करेंगे, 100 अच्छाइयाँ बर्दाश्त करेंगे, 100 परेशानियाँ बर्दाश्त करेंगे, लेकिन औलाद का इलाज कराएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ, बेटा हो या बेटी हो, उसमें कोई भी कमी है, आप पहले खुदा के लिए उसका इलाज करा लें, फिर शादी कर लें। बिल्कुल, लेकिन मुझे आपसे भी कुछ सीखना, अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं सवाल में पूछूं। बिल्कुल पूछ सकता हूं? जी जी। क्या कुछ 40-45 सालों की ज़िंदगी में मुझे इतना 45 साल करीब अपना कारोबार किया, इंडस्ट्री चलाई, लेकिन मैं आज तक आप लोगों से एक बात नहीं समझ सकता, तो बोलते हैं खवातीन, आपसे नहीं, मैं सबसे खवातीन से सवाल है मेरा, इसमें नूरिन भी शामिल है। जो मेरे पास आप औरतें आती हैं, ऐसी ऐसी औरतें देखी हैं जिनको वो बीमारियाँ हैं कि इसका भरोसा नहीं है कि इसको 1-20 दिन भी ज़िंदगी है या नहीं है, ये भरोसा नहीं है, ठीक है। लेकिन उनको 2 गम उनके नहीं ख़त्म होते,
ठीक है, इस दफ़ा मुझे पीरियड नहीं आई और मेरे बाल गिर रहे हैं। आपसे मुझे ये सीखना इस प्रोग्राम के दौरान कि जब इंसान अपनी ज़िंदगी को नहीं देख रहा है, अब अतिन की बात करूँ तो मर्दों की नहीं हो रही, और मैं तंज नहीं कर रहा हूँ, मैं तालिबे इल्मों में आपसे सीखना चाह रहा हूँ कि इंसान को सामने नजर आ रहा है मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, वो ज़िंदगी की उसे फिक्र नहीं है, अपने वालों की फिक्र, बालों की फिक्र है, महावारी की फिक्र है कि मुझे नहीं आई, मुझे ये समझाते वो मासूम होती है ना। ख़वातीन भी मासूम होती हैं, अब क्या बोलें, मासूमाना सवाल कर देती हैं आपसे, मासूमाना बातें कर देती हैं, तो इस बारे में फिर हम क्या कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है, उनको अपनी ज़िंदगी की इतनी परवाह नहीं होती जितनी अपने बालों की होती है, तो बालों का तो है मसला, सही बात है, आपने बिल्कुल वजह फरमाया, लेकिन हाजी साहब जैसे ये प्रॉब्लम्स ख़वातीन के साथ इतनी ज़्यादा रेशो मैंने देखा है बढ़ता चला जा रहा है, इसकी वजूहत क्या हो सकती हैं, आप क्या समझते हैं, जो हम खाना खाते हैं, जो हम डाइट लेते हैं, क्या वो एक बेसिक वजह है? देखिए आपको थोड़ी सी बात मैं समझाना चाह रहा हूँ, अल्लाह करे कि सुनने वालों को समझ में आए, आमीन, आपकी मेरी समझ में भी आ जाए। जब हमारे आप अपनी माँ को ले लो, दादी को ले लो, नानी की ले लो, नानी की नानी, पड़ नानी, सकर नानी, थकर नानी, पकड़ नानी, जितने भी हैं, वो कुदरती चीज़ें इस्तेमाल करते थे, वो कुदरती चीज़ें, उनको उनके बाल 80 साल की उम्र काले भी होते थे, वो लंबे लंबे भी होते थे, बिल्कुल, क्यों, उनको केमिकल से महफूज थे। आपने बात की तो मैं एक सवाल में और आ गया, मैं आपसे नहीं, मैंने सबसे बुरे बाल देखे ना कहकशां, क्या बोले, सबसे बुरे बाल, बुरे बाल मैंने ब्यूटी पार्लर वालों को देखे जी, इतने बुरे बाल के एक खातून ही, मैं ब्यूटी पार्लर में रहा है तो उसने इतने छोटे छोटे बाल थे, इतने इतने मैं दिखा दूँ, उसने यूं यूं किया था, सारे बाल टूट के हाथ में आ गए, जिससे कि पापड़, मैंने क्या बोला, केमिकल लगा 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 तक पहुँचे, उसके बाल ठीक हुए, लेकिन तक कम से कम 1 साल लगा, लंबे लंबे हो गए। मैं तो मैं नेचुरल की तरफ ले जाना चाहता हूँ, देखें खली, आप मालूम है गाय भैंसे खाती हैं, बकरी खाती हैं, जानवर खाते हैं, खल जो बोलते हैं, खली खल दोनों एक चीज़ होती है, बड़ी बूढ़ी औरतें जो थी तो वो उनकी एक आदत थी कि महीने में 2 दफ़ा 3 दफ़ा इतना सा टुकड़ा खली का, जो खल जो होती है इसके क्या नाम है, मूली और क्या नाम है सरसों के बीच, ठीक है, तेल निकालने के बाद जो बचता है उसको खली कहते हैं, ठीक है, मैं इसकी वजाहत कर दूँ, उसको खल भी कहते हैं, खली भी कहते हैं, उसे जानवर बड़े शौक से खाते हैं, उसे दूध बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, तो इतना सा टुकड़ा वो रात को इतने पानी में डाल के रखती थी, सुबह उठ के उसे पका लेती थी, ठीक है, और पकाती इस तरह पता कि पूरा उसमें तहलील हो जाता था, फिर उन्होंने दुपट्टे से उसे छान लिया, छानने के बाद वो क्या नाम है, पहले सर वैसे धो लिया, धोने के बाद उस पानी से आहिस्ता आहिस्ता सब धोते रहे धोते रहे धोते रहे, फिर थोड़ी देर बैठा आराम किया तो उसने थोली इस्तेमाल नहीं करना है, थोली इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो जो उसका असर बालों की जड़ों में कायम रहता है, उसके बाद उस जड़ से बाल निकलते हैं जो मजबूत, कि सुबहान अल्लाह जैसा कि आपने लोहे के तार लगाए हो, ज़बरदस्त। आप मेन चीज़, मैं आपको नेचुरल में एडियम नेचुरल पर काम कर रहा हूँ, मैं आपको नेचुरल चीज़ें बता रहा हूँ कि आप जितनी भी दुनिया में देखी है, आप 80 साल की बूढ़िया है, उसके बाल स्याह काले, इतनी लंबी चुटिया है, उसके साथ उसकी बेटी बैठी हुई है, वो क्या नाम है 28-30 साल की है, लेकिन सारे बाल सफ़ेद हैं, वो पूरे दांत भी हिल रहे हैं, तो मैंने बोला दोनों में क्या फ़र्क है, बोला कि ये केमिकल की प्रोडक्शन है और हम नेचुरल पे चल रहे हैं, माशाल्लाह। आप तमाम औरतों के लिए, मर्दों के लिए मैं एक पैगाम देना चाह रहा हूँ, और ये आप ही चाहें तो रिपीट कर देना, बकौल तुम्हारे कि मैं अब तेज़ नहीं बोलता तो सही बोल रहा, बिल्कुल, आप मूली के बीज से तेल निकलवाएंगे वो तारामीरा होगा, सरसों के तेल क्या नाम बीज से तेल निकालेंगे तो सरसों का तेल होगा, ठीक है। आप दुनिया जहान के सारी चीज़ें छोड़ के अपने बालों में रोज़ाना सोने से पहले थोड़ा सा तेल लगा के सोएं, या हफ्ते में 2 दफ़ा तेल लगाएं, पूरे बालों में लगाएं, घिसना नहीं है, वे पोरों से ऐसे ऐसे मालिश करें, मालिश करने के बाद पूरे बालों में लगा लें, मोटी कंघी कर लें और बाल अपने लपेट लें, 1 साल कर लें कि आपके बालों की जड़ें ऐसी होंगी जैसे कि आपने वेल्डिंग कराई हुई है, ज़बरदस्त, ठीक है। लेकिन मजबूरी यह है कि दुनिया को दिखाने के लिए कि हम जो कहते हैं कि ये भी है ये भी है ये भी है, आप बड़ी बूढ़ी हैं जिन्होंने कभी शैम्पू इस्तेमाल नहीं किया, कभी साबुन के अलावा कोई चीज़ इस्तेमाल ही नहीं की, बिल्कुल, जब भी उनके बाल इतने शानदार होते हैं। हाँ जी साहब, एक कॉलर है आपके लिए, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं नारवाल से बात कर रहा हूँ, सलामत अली जी भाई, फरमाइए। और मैडम ये शुगर का मसला है मुझे और मेरी वाइफ को, कोई 4-5 साल से, ठीक है, इसके बारे में कोई पूछना था इस हिसाब से, ठीक है। आपकी एज क्या है भाई और आपकी वाइफ की?
मेरी एक तो 60 के करीब पहुंचने वाली है, ठीक है, 8 साल है, और उनकी 2-3 साल काम लगा लेंगे। ठीक है आप हमारा प्रोग्राम देखें, आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज़। जी हाजी साहब, इनको शुगर का प्रॉब्लम है, इनकी उम्र 60 साल है और वाइफ की जो है वो 55 साल उम्र है, और दोनों को शुगर का मर्ज लाहक है पिछले 5 साल से। देखिए, सबसे पहला काम तो ये है कि मैं वो नुस्खे बता रहा हूँ जो कि आम होते हैं, बिल्कुल वो चीज़ें बता रहा हूँ जो हर कोई ख़रीद सकता है, हर किसी पहुँच में। बड़ी हाड़ का पाउडर ले लें, क्या कशा एक पाव लेंगे, चंद 100 रुपये का आएगा। सुबह निहार में उठते ही आधा चमचा, पाव चमचा मुँह में डालें और पानी पी लें, एक गिलास, डेढ़ गिलास, 2 गिलास पी लें। शाम को आधा पाव करेले का जूस पी लें। ये 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ आती है कि आप नीम की शाखें काट के वो पका के पी लें, नहीं तो नीम की छाल मिल जाए तो सोने पे सुहागा, इसे इस्तेमाल करें। बाकी हमारे पास आके दिखा दें जो दवाइयाँ हम दे रहे हैं। आज 1000 मरीजों की इंसुलिन छूट गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और उनको भी सख्ती से मना है कि आप हमारी आपकी शुगर नीचे आने लग गई है, अपनी लिमिट से नीचे आ रही है, तो आप अपनी शुगर चेक करके हमारी दवा भी तभी खाएंगे, ठीक है। और क्यों? क्योंकि इंसुलिन छूट गई और पैर में, और लगा 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 के बेचारे उनका हशर बिगड़ा हुआ, उनकी इंसुलिन छूट गई अल्हम्दुलिल्लाह। सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। कई एक से मैंने कहा हमारे प्रोग्राम में, नहीं जी लोगों को, लोग मुझे बड़े जानते हैं, मेरा बड़ा नाम है, नामी ग्रामी हूँ, और नामी ग्रामी लोगों बोले क्या बोलेंगे, तुम्हें शुगर थी, ये मैं तो जान ही सकता। ये हमारे माशे का अलमी है, ये बुराई है, खूबी नहीं, बिल्कुल सही बात है, ये बहुत गलत बात है। ये हमारी प्यारी शहजादी आई है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी तकलीफ उठाई लेकिन मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में आई। पहले मसरूफ थी कि मेहमान आए थे, फिर बाहर चली गई, आना जाना लगा रहा, लेकिन आज टाइम मिला, इन्होंने खुद कहा कि आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद पहुँचेंगे माशाल्लाह। ये पहले हमारे प्रोग्राम में और किसी और मसले में आ चुके थे। जी जी जी, ये भी प्रोग्राम में देखिए, ये वो लोग हैं जो बहुत काबिल कदर है, कह के शाह इन लोगों की कोई कीमत नहीं है, लाजवाब लोग हैं जो ये चाहते हैं कि अगर मैं ठीक हुआ हूँ तो अल्लाह ताला दूसरों को भी शफा दे, दूसरों की रास्ता बने। बिल्कुल, आप 1.5 साल का वक्त इनका गुजरा है। जी कॉल है, बिल्कुल एक कॉलर है। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं सिविल बात कर रहा हूँ कराची से। जी फरमाइए। मैं पूछना चाहता, मेरी भांजी हैं तो उनकी पैदाइशी नजर कमजोर है। ठीक है, पैदाइशी नजर कमजोर है, अभी कितनी उम्र है भांजियों की? उनकी उम्र है 27-28 साल, 20 साल के करीब है, 27-28 साल के करीब है। ओके ठीक है, मैं हम हाजी साहब से मालूम करके आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज। इनकी भांजियां हैं, 27-28 साल की उम्र है, 2 भांजियां, पैदाइशी तौर पे नज़र कमज़ोर है। कह के शान, 2 चीज़ें अलग अलग हैं। अगर पीछे से अगर नज़र कमज़ोर आ रही है तो उसकी तो उम्मीद, इसको मेडिकल में कहते हैं नाकाबले इलाज है, वो तो ठीक हो जाती है, नसें सूख गई हैं वो ठीक हो जाती हैं, खून का दौरान कमज़ोर पड़ता है वो भी ठीक हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। लेकिन अगर सामने की अगर इसका पुतली का मसला है, इसमें मसला है, तो वो उसमें 50-50 चांस होता है किसी ठीक होती किसी नहीं होती। ठीक है, ठीक है, लेकिन इंसान कोशिश कर सकता है, मैं और आप कोशिश कर सकते हैं, बाकी मामला अख्तियार तो अल्लाह के पास है। बेशक, चाहे रोज़ी देनी तो रब ने देनी, शिफा देनी अल्लाह ने देनी, शादी ब्याह होनी तो अल्लाह ने करनी है, ज़िंदगी अच्छी गुजरनी तो वो भी अल्लाह ने करनी। बेशक, यहाँ तो इंसान तो बेबस है, हर मामले में इख्तियार अल्लाह के पास है। बेशक। एक और कॉलर है हाजी साहब आपके लिए, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है, कहाँ से? हम लोग कराची से बात कर रहे हैं, दस्तगीर से। जी फरमाइए। वो घुटनों के दर्द और पट्टों के दर्द के लिए ना? घुटनों के दर्द और पट्टों में दर्द है, ठीक है, आपको बताते हैं, दस्तगीर से बात करें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज़। जी हाँ, पहले तो जो नजर वाले की बात पूरी कर लेते हैं कि वो आके दिखा दें, 1-2 महीने इलाज कराएं, मेरी कोशिश, मेरा कोई दावा नहीं, किसी मामले में दावा नहीं, मेरी कोशिश है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुभान व तआला पे मेरा ईमान है कि रब ने मेरी ज़िंदगी पे बहुत करम किया और जहान पे बड़ा करम किया अल्हम्दुलिल्लाह। नामुमकिन मैंने मुमकिन देखा, जैसे हमारी शहजादी है, जैसे मिसाल में ये सीधे उसकी मैं घुटनों की जवाब देता हूँ, लेकिन इसी मिसाल दूँ, अगर ये हिम्मत ना करती, जहाँ 1.5 साल इलाज कराया है, कितने लाखों का, ये कोई दलील नहीं है, हमारे पास तो अंदाजन कितने पैसे खर्च हुए, 10-20 लाख खर्च हुए, 10-15 हज़ार
बिल्कुल 10-15 हज़ार में अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और जहाँ डॉक्टर के पास लाखों दिए सब कुछ हुआ तो वो तो अल्लाह के, लेकिन मैं एक मसाल आपको दे रहा हूँ, मैं ये आँखों वाला वो भी आ जाए, घुटने वाला वो भी आ जाए, एक छोटी सी अर्ज करनी थी अगर मुझे इजाज़त हो तो। जी फरमाइए, जी जी फरमाइए। बुखार वाला बुखार में आ जाए, बड़ा आसान है, और दर्द कर वाला, चिकन गुनिया वाला, टाइटिस वाला, घुटने वाला, पट्ठे मसल्स वाला, उसी तकलीफ में आ जाए, बिल्कुल इंशाल्लाह सब मुस्कुराता जाएगा। मैं कल की बताऊं कि एक मरीज़ को लेके आया, बड़ा शदीद बुखार, लड़की थी, बहुत शदीद बुखार, तड़प रही, बहुत तकलीफ हो रही है, और ये हालत है, शादीशुदा बच्ची है, 4-5 साल का बच्चा उसी गोद में था, अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह चंद सेकंड के बाद बुखार ख़त्म हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में गई। अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ भी एक छोटा सा कोशिश की थी जी, बड़ी अजीज़ हस्ती हैं, आपको भी अजीज़ हैं, सबको अजीज़ हैं, बिल्कुल। तो सर भारी था, सर हल्का हो गया, आँखों जो था सारा मामला ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आपके सामने ही हुआ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इंसान की कोशिश है, इंसान का दावा नहीं है। देखो मैं सबको कहता हूँ कि आप अपने ईमान पे रब पे इतना मजबूत कर लो कि तुम्हें ये यकीन हो कि अटल फैसला में शफा देनी, आप यकीन माने शफा मिल जाती है। सुभान अल्लाह, जो कहते हैं होगा नहीं होगा, पता नहीं शफा मिलेगी नहीं मिलेगी, अच्छा कोई ये दलील है शफा मिलने की, बिल्कुल वो हमेशा बर्बाद रहते हैं। बिल्कुल अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। हाजी साहब इसके साथ ब्रेक का टाइम आ गया, तो नाज़रीन कहीं जाएगा मैं देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ, मुस्कुराते हुए। जी नाज़रीन वेलकम बैक टू द शो, आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो इसका नाम मुस्कुराती सुबह, और हाजी साहब की जानिब बढ़ते हैं, मगर उससे पहले एक कॉलर आ गया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी मैं रीता बात कर रही हूँ कराची से। फरमाइए। जी मैं कह रहा था ना बहुत दाने दाग धब्बे, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका प्रॉब्लम क्या है? जी मेरे चेहरे पे बहुत सारे दाने दाग धब्बे, बहुत जिल वाले डॉक्टर से ना दवाई दी है मगर नहीं जा रहे। ठीक है, आपकी एज क्या है? मेरी ना 27 है, प्लीज कुछ ऐसा बता दीजिए जो दाग धब्बे खत्म हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, हाजी साहब से मालूम करके आपको बताते हैं, अल्लाह हाफिज़। हाजी साहब एक हमारी जो ब्रेक के दौरान कॉलर थी आयशा, उनकी बेटी का मसला है कि उनको सुनाई कम देता है, मतलब 1-2 साल की थी तो ये मसला कम था, अब उनकी एज 21 साल है और अब उनको इतना मसला होता है सुनने में कि वो कभी कभी रो पड़ती हैं, और वो जो आयशा कॉलर थी वो बेचारी बहुत कंसर्न थी क्योंकि माँ है, और वो कह रही हैं आगे आगे रिश्तों का भी मसला होगा, तो उसके लिए कुछ ऐसा बता दीजिए कि उनकी जो है ये समात है सुनने की ये सही हो जाए। शादी ये सब सीख लें, आप तो सीखती रहती हैं, हमें भी सिखाती रहती हैं, मेहरबानी आपकी ना तो क्या कर सकते। अभी यही आला रब कुमातु का जबान सुरे रहमान की आयत, बिल्कुल रोज़ाना 333 सब पढ़ के दुआ मांगो, पानी पी के पियो भी पिलाओ भी, कान दोनों कान के अंदर छिटे मारो, ठीक है, पानी लेके बिस्मिल्लाह अल्लाह पर बाबूज होके 3 बार यहाँ मारा, 3 बार यहाँ मारा, पानी पिला दिया, ठीक है, ये काम। दूसरा काम है कि इसको बकरा बकरी कोई भी हो उसकी सिरी दबा के खिलाओ, सिरी, ठीक है, सिरी जितना भी जितना खा सकती खा ले। तीसरा कराची में मेरे पास आ जाए, मेरा कोई दावा नहीं, मासूम आदमी हूँ, लेकिन ये यकीन है बच्चे की कान की आवाज़ इंशाल्लाह खुलेगी। इंशाल्लाह आयशा आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, पहली फुर्सत में हाजी साहब के पास जाएं अपनी बेटी को लेकर, इंशाल्लाह उनको जो है फ़र्क पड़ेगा, आमीन सुम्मा आमीन। हाजी साहब ये जो कॉलर थी इनके चेहरे पर मसला ये है, 27 साल उनकी उम्र है और उनको बहुत ज़्यादा दाने जो है फेस पर है, उनकी स्किन क्लियर नहीं है, तो वो चाहती हैं कि हसीन जमील और शफाफ स्किन हो जाए, उसके लिए वो क्या करें? यानी आप कहना चाहती हूँ, वो कहे मैं भी मिजवान हूँ। जी 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 वही 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 वही, ठीक है। देखें वो तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, हम एक खानदान एक फैमिली की तरह हम रह रहे हैं और उस मोहब्बत से रह रहे हैं जिससे एक फैमिली होती है, बड़ी चाहने वाली फैमिली है, हम तमाम लोग इसी तरह चलते हैं और हंसी मजाक में बात करते हैं और संजीदगी से बात करते हैं, वो सारा मकसद है तो आप लोगों को समझाना होता है, बिल्कुल आपकी बका शांति के लिए होता है। पहली बात तो है कि जिस खातून का ये मामला है, पहला काम तो वो ये करे सुबह उठते ही
एक गिलास नीम गर्म पानी लेके चाय का चमचा तुख में बलंगी उसमें मिलाकर फौरन पी ले, ठीक है, एक घंटे बाद नाश्ता करें। दूसरा काम ये करें कि नीम के पत्ते पकाकर उस गर्म पानी से अपने मुंह को धोए, रगड़ के धोए, साफ कर ले, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा काम है कि नीम की छाल, छाल न मिले तो शाखें ले लो, तो 3-4 इंच के टुकड़े बारीक बारीक करके तो उसको 2 गिलास पानी डालो, काट लो, 2 गिलास पानी डालो, पक के सिर्फ 1 कप रह जाए, जब वो नीम गर्म रह जाए उससे आप दिन में पी लो, रात को काम नहीं करना है, ये दिन का काम है, ठीक है। आलू, चावल, बड़ा गोश्त, नींबू, इमली, अचार, अंडे की जर्दी, ये बंद कर दो। कड़ी पत्ता आम मिलता है, वो कड़ी पत्ता कसर से इस्तेमाल कर, जितना भी इस्तेमाल करते हैं कड़ी पत्ता इस्तेमाल करें। सबसे बेहतर काम तो ये हमारे पास आके इलाज करवाए, मेरा कोई दावा नहीं, अगर ये ईमानदारी करेंगे तो अपनी ज़िंदगी में खुश और फौरन रहेंगे। मैं छोटी सी मिसाल दूँ, आपको याद है कि धोखा देने वालों की तो कमी है नहीं, वो तो प्रोडक्शन पे ज़्यादा बेहिसाब है, बिल्कुल, और सच बोलने वालों की कमी है, वो चंद एक है, ये हकीकत है। ये आपको याद है कि कैंसर पेशेंट थी, वो माँ बेटी आती थी, माँ को कैंसर था, उसकी बेटी का जो चेहरा था उसकी ये मसाल थी, जैसे कि आप लकड़ी पे ठोको टक 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 टक, पूरी स्किन ऐसे यूं नहीं थी, आपसे अपने दबाओगे दबे की मैं दबा रहा हूँ, उसका नहीं था, इससे एक पूरी एक लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है, लाखों रुपये खर्च हुए, जवान बच्ची है 17-18 साल उम्र की, उसका इलाज शुरू हुआ तो स्किन नरम होते 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 उसका यह आलम हो गया जैसे कि बच्ची अब जवान हो, लेकिन उन्होंने मेहनत की, मुँह को अपना सब्र में रखा, हर चीज़ नहीं खाई, जो खाना था वही खाया, वो बच्ची आज तक कम हो पाई, 1-2 साल हो गए उसके चेहरा पे मसल, अपनी जिंदगी में वापस आ गई। एक और कॉलर है आपके लिए, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं मसरूर बात कर रहा हूँ, कराची से। जी फरमाइए। मालूम करना था कि मेरे दोनों पैरों के कलवों के नीचे महसूस होता है जैसे बहुत सारी कंकरियाँ रखी हुई जब मैं चलता हूँ तो, और पैरों की एड़ियाँ फट रही हैं, उनमें शदीद तकलीफ होती है, कुछ दिनों के बाद वो सही हो जाती है, जब ठीक है वक्त आते हुए तकलीफ सही हो जाता है। आपको शुगर तो नहीं है, शुगर का प्रॉब्लम? नहीं नहीं, शुगर नहीं है। ब्लड प्रेशर? नहीं, ब्लड प्रेशर भी नहीं। ठीक है, आप हमारा प्रोग्राम देखें, हम आपको हाजी साहब से मालूम करके बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज। हाजी साहब हमारे भाई थे, कराची से बात कर रहे थे, मंसूर या मकसूद उनका नाम था, वो ये कह रहे थे कि जब मैं चलता हूँ तो मेरे पैरों की एड़ियों में शदीद तकलीफ होती है, ऐसा लगता है कि पैरों में कुछ चुभ रहा है, और पैरों की जो एड़ियाँ हैं वो अभी से इंतहाई तौर पर फट चुकी हैं। कह के शायद शरादी, ये कराची में इतना ज़्यादा कि अलामान अलाफीज, हर दूसरा बंदा इस शिकायत में उनको मिले। जो मेरे पास मरीज आते हैं ना, 100 में से 30, 40 या 50 तो होते हैं कि हमारी एड़ियों में तकलीफ है। अच्छा, चलना फिर उनका बहुत मुश्किल होता है, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इंतहाई मुश्किल काम होता है। मेरे पास आ जाएँ, आके इलाज कराएँ, इलाज कराएँ, देखें महीना 20 दिन में कितना फ़र्क पड़ता है। इसमें कभी किसी को महीना 20 दिन में ठीक होता है, किसी को 2-3 महीने लगते हैं, याद रखो, ठीक है। ख़ास तौर पर कह के शान, जब किसी की एड़ी की हड्डी बड़ी होती है और वो नीचे तक आ चुकी होती है, इस तरीके से नीचे आ चुकी होती है, और फिर वो चुभती है कि नीचे जाके ये समझ लो कि इसके अंदर पहुँचती है, फिर उसका यह उसको ऑपरेशन करके हड्डी काट देते हैं, अल्लाह उसके बाद भी हाल ही मैंने जो ऑपरेशन हुए एड़ी उसने हड्डी काट दी, वो शख्स लंगड़ा के चलते हैं, वो सिर्फ अपने पंजे पर चलते हैं, एड़ी नहीं देख सकते, बात तकलीफ होती है। मेरा कोई दावा नहीं, मैं दुनिया का अल्लाह गवाह के बड़ा आजिज़ तरीन आदमी हूँ, दरवेश फ़कीर आदमी, मेरा कोई दावा नहीं, लेकिन ये मैंने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह कि वो लोग ठीक हुए जिन्हें ऑपरेशन किया वो भी ठीक हुए, जिन्होंने ऑपरेशन नहीं कराया वो भी ठीक हुए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कह के शाह, मुँह को सब्र देना, बिल्कुल मुँह को सब्र देना होता है, मुँह के मजे छोड़ने पड़ते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं शहनाज बात कर रही हूँ कराची से। जी शहनाज फरमाइए। ये मैं ये कहना चाह रही थी कि कभी कभी मुझे जो है ना ये पेशाब में शदीद जलन होती है, और ना मतलब अजीब सी बिल्कुल कैचियर हो जाती है, पेशाब में जलन होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है आपको? जी ठीक है, आप हमारा प्रोग्राम देखें, आपको बताते हैं हाजी साहब से जानकर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज। जी हाजी साहब कैसे? मैं उस बच्ची का शुक्रिया अदा करता हूँ, एक चैनल पे वो काम करती थी, अभी कहीं और कर रही है, बहुत ही प्यारी शादी। उसने मुझसे बार बार एक सवाल किया, हाजी साहब आप प्लीज़ दुनिया के काम कर रहे हैं ना,
यूरिन इन्फेक्शन में काम करो कि हर दूसरा इंसान से फंसा हुआ है। बिल्कुल। और रात को पता नहीं कितनी मरतबा उठता है, पेशाब करता है, पेशाबी जगह पे खारिश, जलन, जख्म। अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह जो उसकी दवाइयाँ बनी हैं। आज जो रात को 18 मतलब उठ के चाचा करते हैं पेशाब करते थे ना, और रात को 11-12 बजे सोते हैं, सुबह उठ के जाके पेशाब करते हैं, खुल के पेशाब आते हैं। लेकिन मैं आपकी थोड़ी सी बातें बताना चाहता हूँ। प्रोस्टेट इसको उर्दू में हम कहते हैं ग्लैंड, इसके वदूद जो है, वदूद कहते हैं, मर्दों में होते हैं ये, औरतों में भी शायद हों, तो उसका ऑपरेशन करने के बाद वो इंसान पहले से भी बेकार हो जाता है। अल्लाह रहम। मुझे अंदाज़ा नहीं था जब मेरे पास मरीज आए, जेंट्स आए, तो उनका ऑपरेशन के बाद उनका पेशाब नहीं रुक रहा है। जितना भी पेशाब मसाने से निकलता रहता है वो बेहतर रहता है। उनके लिए बड़ी मुश्किल का सामना, उन्होंने बोला वाल लगा लो। अब वो बेचारे ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तरीन हो रही है। ये तमाम चीज़ें काबिल इलाज हैं, वो आके अपना इलाज कराएं। यूरिन इन्फेक्शन काबिल इलाज मर्ज है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बेहतरीन दवाइयाँ तैयार हुई, अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें बहुत बेहतरीन दवा तैयार हुई है। इसमें चमेली साथ ATS है, साथ क्या नाम है PG है, ये दवाइयाँ इसमें एक मरीज को देख दी जाती है, ऐसा नहीं कह सकते किस मरीज की क्या कंडीशन है उसके मुताबिक दवा दी जाती है। बिल्कुल, हाजी साहब की कंडीशन एक नहीं होगी। बिल्कुल, जो हमारे कॉलर थे मंसूर भाई या मकसूद भाई उनका नाम था, वो ये कह रहे हैं कि मेरे सिर्फ एड़ियों का मसला नहीं, मेरे पूरे ओवरऑल पैर में जो तलवा है उसका प्रॉब्लम है कि जब मैं चलता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कंकरियाँ चुभ रही हैं। देखिए ये सब ठीक होने वाली बात है, काबिल इलाज है, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगता है। कोई शख्स औरत मर्द ये ना बोले कि मैं 2 दिन में जवान हो जाऊंगी या जवान हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा वक्त लगता है। ये पाँव के नीचे वाले इससे बड़े परेशान कौन होते हैं कि कभी कभी इतनी तकलीफ होती है कि उंगलियों से लेके एड़ी तक तमाम चीज़ें बहुत तकलीफदेह होती हैं। बिल्कुल, तो इसका ये सब काबिल इलाज है, ऐसा नहीं कि इलाज नहीं है, लेकिन फर्क बात वही आती है, मुँह के मजे छोड़ने पड़ेंगे, प्रेस करना पड़ेगा, दवाई खानी पड़ेगी। आप चंद दिन की बात आप दौड़ें ठीक ठाक इंशाल्लाह। और इसका बेहतरीन हल ये है कि आप हाजी साहब के पास जाएं, इनसे जाकर रब्ता करें, अपने आप को जो है पूरा सर्वे करवाएं, अपना दिखाएं, मुआयना करवाएं, और फिर जो हाजी साहब नतीजे में पहुँचेंगे कि आपके पैरों के साथ मसला आखिर है क्या। अच्छा हाजी साहब एक दफ़ा अपना एड्रेस बता दीजिए। जी मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चुरंगी 7 सिलानी वाले, हम दोनों की गली में। सिलानी से 50 कदम आगे चले जाएँ तो दायां तो बोर्ड लगा हुआ है अलहाज अखुनज़ादा दीन मोहम्मद का, वहीं ऊपर आ जाएं। सुबह 11 से लेकर रात 8 का टाइम रोज़ाना को होता है, एतवार के दिन सुबह 10 से दोपहर 2 का टाइम होता है। हर आने वाला 2 बोतलें पानी की भरी हुई लेकर, आज ही हमारे मेहरबान खाली बोतल लेके आ रहे होते हैं। ऐसा क्यों अल्लाह जाने, इतना तो मैं बच्चों की तरह रट्टू तोते की तरह हर बुध को कहती हूँ कि आप लोग 2 पानी की भरी हुई बोतलें लेके ज़रूर जाएं, तो फिर आप भूल जाते हैं। और बुखार वाला बुखार की हालत में जाए, किसी भी तकलीफ़ में आप मुब्तला हैं, कर्ब में मुब्तला हैं, उसी तकलीफ़ और कर्ब की हालत में हाजी साहब के पास जाएँ। इंशाल्लाह जब आपकी वहाँ से वापसी हो रही होगी तो आप हंसते मुस्कुराते हुए जाएँगे इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह। हाजी साहब दुआएं काट के जाने पड़ते हैं। नाज़रीन मोहतरम, दुनिया में जो भी लोग हमें देख रहे हैं, कुल कायनात में जिसके जहाँ पर भी दर्द है कर वहाँ रखेगा, अपने सीने पर रखें, इंशाल्लाह आपको 2 सेकंड में फाका होगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सबकी तकलीफें बीमारियाँ जिन जादू मुश्किल परेशानियाँ खत्म हो, शफा मिले, मुकम्मल शफा मिले, फर्श से अर्श तक तमाम मखलूक को शफा मिले, सभी रोजी कुशादा हमेशा कुशादा रहे। पाकिस्तान के जारी बातें अंदरूनी बड़ी दुश्मन खत्म, मुश्किल खत्म हो जाएँ, शर फसाद फैलाने वाले खत्म हो जाएँ, पाकिस्तान के नुकसान देने वाले खत्म हो जाए, नुकसान उठाने वाले खत्म हो जाए, आमीन। अल्लाह सभी तकलीफें बारे जिन जादू मुश्किल परेशानी खत्म, शफा मिले, मकमल शफा मिले, आमीन। सारी तकलीफें बारे जिन जादू मुश्किल खत्म हो, शफा मिले, मकमल शफा मिले। छोड़ दोबारा पकड़ो सभी तकलीफें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तमाम लोग कर सकते हैं, ये हमारा ADM नेचुरल यूट्यूब चैनल है, उस पर मौजूद है। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो मेरे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ADM नेचुरल सार्प, ADM नेचुरल ऑफिशियल दोनों, ठीक है। तो ये चीज़ें उसमें मौजूद हैं, आप दिन में बार बार करें, बच्चा बूढ़ा जवान सब हो जाएं जवान, अल्लाह का करम हो इंशाल्लाह। हाजी साहब क्या पैगाम देना चाहेंगे नाज़रीन? मेरा पैगाम है आप इंसान से मोहब्बत करो, अल्लाह से मोहब्बत करो। अल्लाह से मोहब्बत करने का बेहतरीन राज तरीका ये है, वो बेहतरीन राज ये है, जब अल्लाह के मखलूक से प्यार करो, उसे काम आओगे तो समझ लो कि आप अल्लाह से प्यार कर रहे हो। सुभान अल्लाह। आलमा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आलमा नूर, आप हमारे प्रोग्राम में आईं और आपने जो है आके उन लोगों को ये मतलब एक बात जो है वो कन्वे करवाई कि भाई अगर आप वहाँ से मुस्तफ़ीद होते हैं, आपको इलाज हाजी साहब के पास जाके करवाते हैं और आप फैज़याब हो जाते हैं, तो उसके बाद आके आप दुनिया को भी बताएं कि मैं जो हूँ वो फैज़याब हो चुका हूँ या मैं जो हूँ वो फैज़याब हो चुकी हूँ। लोग इस बात में शर्मिंदगी महसूस क्यों करते हैं? मैं हमेशा कहती हूँ ये तो
सदका जारी है, ये तो करना चाहिए। और आपने बहुत ही जो है ना बहादुरी का काम किया यहाँ पे आके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि लोगों को आके आपने बताया कि भाई मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं यहाँ पे सहतियाब हो चुकी हूँ, और आपके साथ भी बड़ा सिवियर मसला था, मतलब आपने भी बहुत तकलीफ देखी। तो अब जब आप अल्हम्दुलिल्लाह सेट हैं, तो वो जो प्रॉब्लम आपके साथ थी नाफ में, जो खारिश वगैरह का मसला था, अब तो दोबारा खारिश नहीं होती? बिल्कुल सेट थे, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह जबरदस्त। इतने बड़े बड़े सुराख थे, अब तो माशाल्लाह हमारी शादी जवान होगी, बताना नहीं किसी। बिल्कुल, हमने पिक्चर्स देखी है हाजी साहब, हमने पिक्चर्स देखी है, कितनी प्रॉब्लम में आप थी, और अल्लाह पाक ने आपके पास कितना करम किया कि आप जो है बर वक्त जो है हाजी साहब के पास पहुँच गई। और ये अपने दिमाग को हाजिर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है नाजरीन, मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो आपको डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं, लेकिन आप डॉक्टर के अलावा भी एक दो लोग आपके ऐसे होने चाहिए जो आपको मुखलिस मशवरा दें। अब आप तो पहले से इलाज करवाती होंगी हाजी साहब से, लेकिन जो लोग नहीं करवाते, जो लोग मेडिकल स्टोर्स पर जाके, जैसे हमारी एक बहन थी जिनको कैंसर था, उन्होंने बताया कि मेडिकल स्टोर वाले ने जो है जाकर उनसे बोला कि बहन आप हाजी साहब के पास चले जाएँ, तो ऐसे लोग फरिश्ते होते हैं। क्या हमें वाइंड अप करना है? ठीक है हाजी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले बुध को। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, फी अमानिल्लाह। आलमा नूर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, पहले सेगमेंट का जो है वो इख्तिताम हो रहा है, अब जब ब्रेक पे जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जनाब आपको लेकर चलेंगे किचन की दुनिया में, मिलवाएंगे क्वीन से और जानेंगे कि आज क्या बना रही है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।